स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस समय जो पंचायत इलेक्टोरल रोल का है उसका अपडेशन का प्रोसेस का काम फिर से हाथ में लिया है। अभी जो हमारे पास पंचायत इलेक्टोरल रोल्स है वो 1 जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट के मुताबिक अपडेट होके पब्लिश हो चुकी है 10 फरवरी 2023 को, क्योंकि अब जो पंचायत का जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है, जनवरी 2024 में खत्म हो जाएगा और उससे पहले चुनाव कराने हैं। तो ये एक फैसला लिया गया है कि इस समय वो जो एलिजिबल इलेक्टर हैं जो 1 जनवरी 2023 को 18 साल के हो चुके हैं, जिनका नाम अभी तक उन पोर्टलिस्ट में शामिल नहीं करवा पाए हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपना नाम इसमें वोटर लिस्ट में जो पंचायत इलेक्टोरल रोल में अपना लिखवा सके। इसके लिए एक स्पेशल सबरी रिविजन जो है, जो सेकंड सप्लीमेंट उसके लिए होगा, उसके लिए प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। ये 20 तारीख यानी कल से ये प्रोसेस शुरू होगा। इसके लिए 2 स्पेशल कैंप ही लगेंगे सैटरडे संडे को। उस दिन पे जो हमारे जो पंचायत बूथ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं या असेंबली इलेक्शन के BLOs होते हैं जो हमारे पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहेंगे, तो जो भी अपना नाम लिखवाना चाहे, क्लेम देना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, एंट्री करेक्ट कराना चाहे, वो बूथ को लेकर में ऑफिसर से अप्रोच करे, उनकी मदद ले और अपना फॉर्म वहाँ पे दाखिल करे ताकि उनका जो नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दाखिल किया जाए और जो उनका एक बेशकीमती डेमोक्रेटिक हक है उसको एक्सरसाइज करने के लिए वो इसका पूरा डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। ये मेरी उनसे जो एलिजिबल इलेक्टर्स है ये गुजारिश है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले इस मौके का फायदा लें और अपना नाम उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और अपना नाम उस पंचायत इलेक्शन रोल में दाखिल करें।